हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और गाइस, मैं आज ये वाला ड्राइंग बनाने वाला हूँ और मेरे को ये ड्राइंग बहुत अच्छा लगा है। ऐसा मतलब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कलरफुल, थोड़ा वाटर कलर्स के ये सब मिला के थोड़ा करने का कोशिश करूंगा। मतलब मैं पहले कभी वाटर कलर से मैं बचपन में गया हूँ, वो भी सीनरी वगैरह वैसे बनाता था मैं तब। ऐसे ही तब उतना नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं था वाटर कलर का, लेकिन अभी भी नहीं है। अभी मैं बस ट्राई करूंगा कि कैसे बनेगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी मैं आउटलाइन बना लेता हूँ। ये देखो, बेड में बैठ चुका मस्त, अपना ड्राइंग जितना भी सामान है, सामान क्या है, एक पेंसिल और एक पेपर है पास, और क्या है इसमें ड्रॉ करना है। ये देखो, ये पेपर में, और ये पेपर मैं गाइस स्केचिंग के लिए मंगाया था, लेकिन स्केच करके दो पोर्ट्रेट में बनाया, दोनों पोर्ट्रेट बेकार निकला मेरा, क्योंकि ये पेपर लग रहा मेरे को पोर्ट्रेट के लिए है ही नहीं, ये बस वाटर कलर ये सब के लिए है। पोर्ट्रेट बोलने से वो जो पेंसिल से करते हैं पेंसिल पोर्ट्रेट, उस चीज़ के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये पेंसिल से बना रहा हूँ ये ख़राब हो जा रहा पेपर। घिसना पड़ता है ना डार्क पोर्शन के लिए, तो जहाँ पे भी घिस रहा हूँ वो उखाड़ दे रहा पेपर पूरा उस जगह से। तो अब मैं इसमें वाटर कलर करने वाला हूँ, देखते हैं भाई। पहले तो आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो गाइज, लगभग मैं आउटलाइन बना लिया हूँ, और अभी बात थोड़ा सा और डिटेल देना, वो करने के बाद मैं सीधा कलर करने लग जाऊँगा। फ़ोन को थोड़ा चार्ज में देता हूँ यार, बीच बीच में ये दोहरा पड़ता रहता है, तुरंत एकदम से फुल चार्ज से एकदम जीरो हो जाता है। तो गाइज, जिम जाने वाला था तो कैंसिल हो गया, क्योंकि आज एक प्रोडक्ट मैं रिटर्न किया हूँ, वो आने वाला है। रिटर्न मतलब जो पिकअप करने आएंगे जो डिलीवरी बॉय, वो उसके लिए रुकना पड़ेगा। भैया है लेकिन वो नीचे जाके दे नहीं सकता, क्योंकि उसका पैर में सर्जरी हुआ है ना, तो सीढ़ी से नीचे जाना आना इतना भारी सामान लेके, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। देखो, तो ये जो प्रोडक्ट है असल में इसमें होम थिएटर जो मैं ऑर्डर किया था वो फिर से खराब निकला, तो मैं इसको रिटर्न मार रहा हूँ। गाइज, आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और क्या बात है ना, दोपहर में जो गर्मी पूरा रूम गर्म हो जा रहा है, इसलिए कूलर बाहर निकाला गया, और थोड़ा देर बाहर ऐसे चला के रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। इस प्रोडक्ट में क्या है, हीटिंग इशू है और एक स्पीकर डैमेज है पूरा, तो इसीलिए इसको रिटर्न कर दिया गया है। और गाइस, मैं जो ड्रॉ कर रहा था उसको मैं अब कल करूँगा, आज मैं आउटलाइन बना लिया, और कल सुबह जो लाइट आएगा उस लाइट में मैं वीडियो भी बना पाऊँगा अच्छे से, इसलिए गाइस, ठीक है। तो गाइस, आज थर्सडे, और आज थर्सडे मतलब प्याज और लहसुन कुछ भी ये यूज़ नहीं होता आज हमारे घर में, तो और मैं जानता हूँ बहुत लोगों के घर में भी यही होता है। तो खैर गाइस, मैं अभी बनाऊंगा आलू सोयाबीन का एक सब्जी, देखते हैं कैसा बनेगा। मम्मी पूजा कर रही है, नो डिस्टर्बेंस, पंखा चल रहा है, इसको ऑफ करने बोली। ये देखो सोयाबीन, इसको पहले पानी में
कुछ देर के लिए छोड़ के रख देते हैं। इसके बाद ये जब फूल जाएगा तब हम लोग उसको अच्छे से तो गाइस ये देखो इतना ये सबको थोड़ा मतलब इसको थोड़ा देर वैसे ही रख देते हैं, ये फूल जाएगा। फिर वैसे गर्म पानी में देने से ये जल्दी फूलेगा, लेकिन क्या जरूरत है भाई, पूरा वेदर पूरा टेम्परेचर ही जब गर्म है, पानी भी गर्म है, तो दोबारा से गर्म पानी करे क्यों। मैंने ये दो आलू लिया, तीन आलू सोचा तो लूंगा, लेकिन ये बड़ा बड़ा आलू है, दो बस ये दो आलू में काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोग हम लोग है नहीं, बस नानी छोटी नानी मैं मम्मी और भैया, चार जन है, चार जनों का ये बन जाएगा आराम से। वैसे भी रात को सब कम ही खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। तो गाइस आलू भी काट लिया और सोयाबीन भी फूल गया लगभग, ये देखो मस्त भाई, ये बहुत बड़ा वाला सोयाबीन है, देखो ये जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसका जो मसाला है ना, वो मसाला मैं क्या है डालू, प्याज नहीं डाल सकते, लहसुन भी नहीं डाल सकते, बस अदरक जीरा और थोड़ा बहुत ब्लैक पेपर ये सब डाल के ही बनाना पड़ेगा, और खाने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि पूरा लगेगा। मसाला भी रेडी हो चुका है, अब मैं बनाने वाला हूँ गैस में। तो सबसे पहले कढ़ाई लेते हैं और फोन में चार्ज नहीं और ये डिस्टर्ब करने लग गया भाई, वीडियो अच्छे से ले ही नहीं रहा है। तो गाइस खैर छोड़ो, अब इधर मैं ढक के रख दूं, ये लगभग हो चुका है, बस ये जो सोयाबीन है इसको वहाँ पे डाल दूंगा, थोड़ा देर रख दूंगा, बस रेडी, बाकी सब रेडी हो चुका है, तो आलू मसाला वगैरह जो भी था पूरा रेडी हो चुका है, बस ये सोयाबीन डालना है और थोड़ा बहुत धनिया पत्ती और क्या, बस खत्म। सोयाबीन आलू का सब्जी बन चुका है,
और अब थोड़ी देर बाद मम्मी जब रोटी बनाएगी उसके बाद मस्त खाना खा के एकदम सो जाएंगे, ठीक है। तो खैर गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।